बच्चों के एग्जाम्स टाइम में तीन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। नंबर वन, स्ट्रेस। ज्यादातर पेरेंट्स खुद बच्चों का स्ट्रेस लेवल बढ़ा देते हैं। एग्जाम्स आ रहे हैं ऐसा कह कह कर वो अपना स्ट्रेस लेवल तो बढ़ाते ही हैं, साथ में बच्चों का भी बढ़ा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे बच्चों को एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि किसी जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। याद रखें, ज्यादातर बच्चे ओवर स्ट्रेस की वजह से स्पेसिफिकली अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो लेट देम स्टे काम एंड परफॉर्म वेल। नंबर टू, फूड। उनके खाने का खास ख्याल रखें, जितना हो सके उन्हें जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और हाई शुगर फूड से दूर रखें। खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और ओमेगा रिच फूड जैसे कि ड्राई फ्रूट्स को जरूर शामिल करें। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए अच्छे फूड सप्लीमेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। नंबर थ्री, फिजिकल एक्टिविटीज। अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो खेलना कूदना बंद करो और पढ़ाई पर फोकस करो, ऐसा हम अक्सर सुनते हैं। पर फिजिकल एक्टिविटीज करने से बॉडी स्टेमिना इम्प्रूव होता है, जिससे ज्यादा देर तक बैठकर पढ़ने की कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। एग्जाम्स टाइम में भी एटलीस्ट 30 मिनट जरूर खेलना चाहिए।